सिलचर शहर लगातार 10वें दिन भी जलमग्न नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि वहां हमारी आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और असम पुलिस की जो आपात सेवा के जवान हैं, वो राहत और बचाव के काम में लगातार 2400 घंटे लगे हुए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार खतरनाक बनी हुई है। सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति कछार जिले के सिलचर की है। सिलचर शहर लगातार 10वें दिन जलमग्न है। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और असम पुलिस की आपात सेवा के जवान राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। असम की बराक नदी में उफान से कछार जिला पूरी तरह तबाह हो गया। असम राइफल्स की श्रीकोना बटालियन और वुमेन्स राइफल भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में हाथ बटा रही है। पिछले 24 घंटे में बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 और लोगों की जान जाने की खबर है। इनमें कछार और चिरांग जिले में दो दो लोगों की मौतें हुई। पिछले 3 महीनों में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 151 हो गई। इस समय असम के 26 जिलों के 31 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों में आई उफान ने असमय करीब 2500 गाँव और 90,000 से ज्यादा हेक्टेयर फसलों को डुबो दिया है। कि किस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, क्योंकि 28 जिले हैं असम के जो कोराम है, जहां पर बाढ़ की वजह से नदियों का जो जलस्तर है वो तेजी के साथ बढ़ा है और इसी वजह से जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी घुस चुका है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो जनजीवन है वो बुरी तरह से अस्त व्यस्त हैं, मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आप देख ही रहे हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान दिन रात जुटे हुए हैं, 2400 घंटे काम कर रहे हैं। अब अच्छी बात यह है कि इस पूरे राहत के काम के लिए असम राइफल्स की जो महिला बटालियन है वो भी इसमें शामिल हो गई है। सिलचर में बाढ़ पीड़ितों की मदद पहुंचाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए असम राइफल्स की महिला विंग ने किस तरह से मुस्तैदी के साथ काम शुरू किया है वो भी जरा देखिए। असम के 28 जिलों में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान दिन रात जुटे हुए हैं। अब इसमें असम राइफल्स की महिला बटालियन भी शामिल हो गई है। सिलचर में बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के लिए असम राइफल्स की महिला विंग मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दे रही है। मतलब ये काम करने में क्या क्या दिक्कतें आ रहे हैं? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए जो टास्क मिलता है हम लोगों को वो सब पूरा करना पड़ता है, तो दिक्कत नहीं है। असम राइफल्स की ये महिलाएं पानी में फंसे लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों में पहुँचाने से लेकर राहत सामग्री तक मुहैया करवा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर लोगों को सुरक्षा और राहत पहुंचा रही हैं।